सूरज का तेज भी फीका पड़ता था जब राणा तू अपना मस्तक ऊंचा करता था। थी राणा तुझ में कोई बात निराली, इसलिए अकबर भी तुझ से डरता था। 7 फीट 5 इंच लंबाई, 110 किलो वजन, 81 किलो का भारी भरकम भाला और छाती पर 72 किलो वजनी कवच। दुश्मन भी जिसके युद्ध कौशल के कायल थे, जिन्होंने मुगल शासक अकबर का भी घमंड चूर कर दिया। 30 सालों तक लगातार कोशिश के बाद भी अकबर उन्हें बंदी नहीं बना सका। ऐसे वीर योद्धा महाराणा प्रताप की 9 मई को जयंती है। आइए जानते हैं महाराणा प्रताप के बारे में रोचक बातें। नमस्कार, मैं हूं विनीता और आप देख रहे हैं प्रातः दर्पण। हर भारतवासी के लिए आज का दिन बेहद खास है। आज का दिन इतिहास में दर्ज है। आज 9 मई को भारत के महान सूरवीर सपूतों में से एक महाराणा प्रताप की जयंती है। महाराणा प्रताप का जन्म 1540 में आज ही के दिन राजपूत राज परिवार में हुआ था। महाराणा प्रताप ने अपनी वीरता के दम पर ऐसे कई कार्य किए जिनकी वजह से आज भी देश भर में उनके त्याग, शौर्य और बलिदान की गाथाएं सुनाई देती हैं। बता दें, महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह मेवाड़ा वंश के शासक थे। महाराणा प्रताप ने मुगलों के अतिक्रमणों के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी थी। अगर अकबर की बात की जाए तो उन्होंने अकबर को युद्ध में 3 बार हराया था। यही वजह है कि आज उन्हें वीरता का प्रतीक माना जाता है। क्या है महाराणा प्रताप जयंती की सही तारीख? ऐसे में उनकी एक जयंती अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 9 मई को होती है और दूसरी जयंती पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह की तृतीय को होती है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार महाराणा प्रताप की जयंती 9 मई को मनाई जाती है, जबकि हिंदू कैलेंडर के अनुसार ये तारीख बदलती रहती है। महाराणा प्रताप का निधन 19 जनवरी 1597 को हुआ था और तब तक वे अपने मेवाड़ को बहुत सुरक्षित भी कर चुके थे। महाराणा प्रताप के मेवाड़ के कुंभलगढ़ में जन्म 9 मई 1540 को हुआ था। आप सभी देशवासियों को महाराणा प्रताप जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं।